अब मैं आज तीसरा पार्ट बना रही हूँ और उसको मैं लेके जा रही हूँ इंट्राडे में, और चौथे पार्ट में मैं आपको बैंक निफ्टी के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो ये चारों पार्ट्स वेल डिफाइंड है। अभी हम इंट्राडे में इसको कैसे यूज करते हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे, और इंट्राडे एंड बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट इज गोइंग टू बी सिमिलर, बट बैंक निफ्टी में मैं एक और कन्फर्मेशन भी लेती हूँ। हाई इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल, एंड दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट 3 ऑफ द एजुकेशनल सीरीज दैट आई हैव स्टार्टेड विद ऑन हाइकनिशी कैंडल। ये तीसरा पार्ट है ऑन द सीरीज हाइकनिशी कैंडल्स, जहां पे मैंने आपके लिए एक पार्ट 1 बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि हाइकनिशी कैंडल्स क्या होती है। दूसरे पार्ट में मैंने आपको बताया था कि पोजिशनल ट्रेडिंग कैसे करें, और अगर आपको एग्जिट करना है तो आप एग्जिट कैसे करें। ठीक है, अब मैं आज तीसरा पार्ट बना रही हूँ और इसको मैं लेके जा रही हूँ इंट्राडे में, और चौथे पार्ट में मैं आपको बैंक निफ्टी के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो ये चारों पार्ट्स वेल डिफाइंड है। अभी हम इंट्राडे में इसको कैसे यूज करते हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे, और इंट्राडे एंड बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट इज गोइंग टू बी सिमिलर, बट बैंक निफ्टी में मैं एक और कन्फर्मेशन भी लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं देख रही थी ये जो वीडियो है पार्ट वन, उसमें किसी ने कमेंट लिखा हुआ है, उसमें कमेंट में उन्होंने बोला है कि प्लीज एडवाइस फंक्शन ऑफ डे चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी ऑन 18, 22, 24, मतलब 18, 22 और 24 नवंबर को देयर वाज अ डोजी दैट फॉर्मड बट द ट्रेंड कंटिन्यूड। अगर आपने पार्ट टू देख लिया है तो आई एम श्योर आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रेंड को फॉलो कैसे करें। जो मुझे समझ में आ रहा है, आप एक ये डोजी बन रही है, एक ये डोजी बन रही है 10 नवंबर को, एक 21 नवंबर को डोजी बन रही है, और एक डोजी बन रही है यहाँ पे 28 नवंबर को। आप इन डोजीज की बात कर रहे हैं, बट आप देखिए ये वन डे टाइम फ्रेम में None of them have closed below 10 SMA. तो हमारा ट्रेंड अभी कंटिन्यूड है। कहाँ पे हमको एग्जिट करना है अपना ट्रेड? जब यहाँ पे कैंडल बन जाती है, ये कैंडल एक जो बिलो 10 SMA बन जाती है, यहाँ पे हमारा कंपल्सरी एग्जिट बनता है। मैं माफ कर देती हूँ आपके लिए, यहाँ पे आपको कंपल्सरी एग्जिट करना है, नहीं तो ये दोजी बनी है, ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनी है, आप जो नेक्स्ट डे कैंडल बनती है आप वहां पे आराम से एग्जिट कर सकते हैं। तो आई थिंक अगर आपने पार्ट टू देख लिया है तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें कैसे जो है डोजीज पे ट्रेड करना है। डोजी का लो या हाई ब्रेक करना जरूरी है। अगर लो ब्रेक करा है तो आपको सेल करना है, हाई ब्रेक करा है तो आपको बाय करना है, सिंपल। बट हाई ही ब्रेक करा है हर एक डोजी में, लो किसी भी डोजी का ब्रेक नहीं हुआ है, दैट टू बी विद ओपन इक्वल टू हाई और ओपन इक्वल टू हाई कैंडल के साथ। किसी भी आप ये वाली कैंडल देखिए, ये वाली कैंडल, लेट मी मार्क इट, चाहे ये वाली कैंडल हो, 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 जितनी भी रेड डोजीज बनी है, किसी में भी नेक्स्ट कैंडल ओपन इक्वल टू हाई या रेड कलर की कैंडल नहीं बनी है, राइट? यहाँ पे भी जो डोजीज बनी है उनमें ओपन इक्वल टू हाई नहीं है। एक ये ओपन इक्वल टू हाई कैंडल है, बट ये 10 SMA के नीचे गई ही नहीं, तो हमें कोई टेंशन की बात है ही नहीं। तो आई होप इट मेक्स सेंस दैट देर वॉज कंटिन्यूस आफ्टर दिस प्लेस, देर इज नो वेयर द ट्रेंड हैज चेंज्ड एक्सेप्ट दिस डोजी फॉर्म्ड एंड द नेक्स्ट डे ओपन यू कुड डू हाई, इवन इफ यू डोंट वांट टू ट्रेड इट बिकॉज नो कैंडल क्लोज बिलो, यू कैन गो फॉर अ बाय सेल ऑन दिस पर्टिकुलर कैंडल, राइट हियर यू कैन गो फॉर अ सेल, राइट हियर यू कैन गो फॉर अ सेल, सो एंड देन यू सी द ड्रॉप, देन अगेन यू हैव अ बाय हियर and then it goes whatever little point, and then again you have a sell trade which is activated. So I hope I have cleared your doubt, and I'm happy that you have asked the question, because kitne log ho aap jo main bolti hu wo accept kar lete ho, right question, right valid questions, not trolling question, you know, like agar aapko seekhna hai na to aap troll karne wale questions nahi likhoge, aap seekhne ke liye, aap mere andar jo hai jo main sikhana chahti hu usko seekhne ke liye aap questions likhoge. तो ये बैंक निफ्टी का ट्रेंडिंग ट्रेड था, बहुत ब्यूटीफुल ट्रेड था। अब हम आ जाते हैं किसी भी स्टॉक के ऊपर, लेट्स से हम बात करते हैं रिलायंस की। अगर आप रिलायंस की बात करते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज की, एक बहुत पॉपुलर स्टॉक है और एक बहुत ही व्हाट यू से वॉल्यूमेट्रिक स्टॉक है, काफी अच्छे वॉल्यूम्स रहते हैं इसमें। तो इसमें आप कैसे ट्रेड करोगे? द सिचुएशन इज सेम, अगर एक डोजी 10 SMA पे बनती है और पास्ट बैरियर क्रॉस होता है, ये पास्ट बैरियर क्रॉस हुआ है, आप इसमें एंट्री ले सकते हो बिकॉज ओपन इक्वल टू लो कैंडल बन रही है। बट अगर आपको इंट्राडे में ट्रेड करना है तो आप क्या करोगे, राइट? तो हम मार्क कर लेते हैं कि जैसे ये वाली दिन है, इस दिन पे हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पे,
और हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। आपको सिंपली देखिए एक चीज याद रखनी है कि अगर कैंडल्स 10 SMA के ऊपर बन रही है तो आपको केवल बाय के ट्रेड करनी है, अगर कैंडल्स 10 SMA के नीचे बन रही है तो आपको केवल सेल के ट्रेड करनी है। ठीक है, अब हम जाते हैं इसके शॉर्टर टाइम फ्रेम में। हम लोग बात करेंगे 20 अक्टूबर की, हम लोग बात करेंगे 31 अक्टूबर की। 15 मिनट में चलते हैं और चलते हैं 20 अक्टूबर को और 31 अक्टूबर को। पहले हम अक्टूबर 20th को चलते हैं। सो हियर वी आर नाउ, सी हियर हाउ सिंपल इट इज। आर माइंड सेट इज ओनली टू बाय, बिकॉज द इन वन डे टाइम फ्रेम द हाइकनेशी कैंडल्स आर अबव 10 SMA। दिस कैंडल यू सी हियर, दिस इज बेसिकली अ कैंडल व्हिच इज फॉर्मिंग एट अबाउट 9:15। दिस फर्स्ट कैंडल फॉर्म्स एट 9:15। द मोमेंट आई गेट ओपन इक्वल टू लो कैंडल आई कैन टेक एन एंट्री, एंड फ्रॉम हियर ऑलमोस्ट लाइक यहां से 2463 से इट गोस अप टू 2526। ब्यूटिफुल ट्रेड। वी गोना इग्नोर ऑल दीज सेल ट्रेड दैट आर कमिंग अप। व्हाई? बिकॉज इन द बिगर टाइम फ्रेम रिलायंस इज पॉजिटिव। ओके, नाउ देयर इज वन ट्रेड हियर, दिस इज अनदर ट्रेड दैट यू कैन हैव अ लुक, बट दिस कैंडल हाई इज नेवर ब्रोकन एंड हेंस यू कैन इग्नोर। ओके, सो एक दिन में एक ही ट्रेड करना है आपको। अगर आपको हाइकनेशी कैंडल से एक कोई ट्रेड मिलता है, आपको एक दिन में केवल एक ही ट्रेड करना है। अब हम 30th को चलते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंड ऑन 30th, बिकॉज आई एम जस्ट डूइंग द बैक टेस्टिंग, सो दैट इज व्हाई आई हैव सिलेक्टेड द डेट्स। सो 30th ऑफ अक्टूबर, 27th अक्टूबर, 28th अक्टूबर, आई थिंक 31st अक्टूबर, मे बी इट वॉज 31st अक्टूबर हियर। सो इन फैक्ट सी हियर एट दिस प्लेस यू गेट अ वेरी वेरी गुड एंट्री, अ टाइनी यू नो डोजी ओपन इक्वल टू लो, and then how it breaks and goes up, like there is a proper trending trade you get. You have to ignore all these trades where the stock is going below 10 SMA. Why? Because the major trend kya hai is samay, major trend is upward. Okay, so let's see aaj koi hame trade milta kya. Aaj hum koi trade dhoondte hain, kuch bhi trade uthate hain aur dekhte hain ki did we have a possibility. Let me take a indigo. राइट, इंडिगो में हम चलते हैं। पहले तो हम इसको वन डे का ट्रेड वन डे बना लेते हैं एंड देखते हैं कि क्या हो रहा है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है स्टॉक में। सो हियर वी आर दोजी, एंड आज एक्चुअली ओपन इक्वल टू लो कैंडल बना है। राइट, ओपन इक्वल टू लो कैंडल बना है। आई वुड से इट्स फाइन अगर ये पास बैरियर को ब्रेक करता है स्टॉक तो ठीक है, बट देयर इज अ बैरियर एट दिस प्लेस एज वेल, 2100 पे। तो आई वुड अवॉइड इट। लेट्स सी इफ देयर इज अनदर गुड ट्रेड। दिस इज हिंद पेट्रो, राइट? हिंद पेट्रो कुड हैव बीन अ गुड ट्रेड। व्हाई? बिकॉज़ सी हियर द ट्रेड, यू नो देयर आर दीस थ्री डोजीज, आफ्टर दैट यू हैव ओपन इक्वल टू लो, एंड दिस कैंडल 234 इज अ श्योर कैंडल फॉर यू टू एंटर। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल मार्क इट एंड सी वेदर वी गेट एन अपॉर्चुनिटी और नॉट। So this is where we have an entry. Let's see. 15 मिनट में चलते हैं। अब हमें पता है कि स्टॉक जो है अपट्रेंड में है। स्टॉक इज इन अपट्रेंड ओनली, स्टॉक इज इन अपट्रेंड ओनली। सो सी, हैड आई बीन लाइक दिस इज अ वेरी नाइस ट्रेड। दोजी इज फॉर्मिंग हियर एंड देन ओपन इक्वल टू लो। व्हेन द पास्ट बैरियर्स ब्रेक विच आर आउट हियर, वी हैड अ वेरी वेरी गुड एंट्री। So we had a very, very good entry when this past barrier was broken and the candles were moving up. So 233 was a good entry. And 233 is a good entry. But see, you can take a few points because there is this candle which is forming below 10 SMA. But next candle only it breaks and it goes till about 236. 3 points aapko mile hain, bahut convincing points nahi hai. I can't say that they are very, very good points, but every time you get a good, you know, like I would go for a trade where a doji is forming on 10 SMA. So see, this is a doji which is forming on 10 SMA. I will mark my entry at this place, right? That's the past barrier, 244. From 244.95, it goes to 251. Almost like 6 points aapko milte hai. So, koi bhi stock aap uptrend mein pick kariye,
कोई भी स्टॉक जो कि लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड में है, हाउ डू वी डिसाइड, हाउ डू वी से कि स्टॉक जो है अप ट्रेंड में है, वी डिसाइडेड बाय हैविंग इट्स वन डे टाइम फ्रेम। उसके बाद आप उसमें किसी भी दिन ओपन इक्वल टू लो कैंडल बनती है, आप 10 मिनट्स के टाइम फ्रेम में जाइए और उसमें आप अगर आपको डोजी मिलती है, 10 SMA पे डोजी मिलती है, ये जैसे डोजी मिली है आपको यहाँ पे देखिए NMDC में, दिस इज अ डेली टाइम फ्रेम, बट लेट्स से आउट हियर द स्टॉक इज इन अप ट्रेंड। आज के दिन देखते हैं इसमें क्या एंट्री मिलती थी हमको। सो सी हियर एट दिस प्लेस, यहाँ पे ब्यूटिफुल यू नो लाइक दिस इज 10th of January विच इज यस्टरडे, इट वेंट हॉरिजॉन्टल राइट, एंड देन एट 3:15 दिस कैंडल वॉज फॉर्म, एंड टूडे इट हैज गिवन अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल ब्रेकआउट। अगर आपको मॉर्निंग कैंडल के बाद भी एंट्री लेनी थी तो 125.3 आपकी एंट्री थी, एंड सी इट गोज टिल अबाउट 128.6। FNO का स्टॉक है, 3 पॉइंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि देखिए पहले आपको क्या देखना है, वन डे में स्टॉक अप ट्रेंड में है, उसके बाद आपको टाइम फ्रेम लगाना है 15 मिनट्स। 15 मिनट्स में आपको देखना है, जैसे आज की कैंडल बनी है ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनी है। एक और चीज आप जो ध्यान में रख सकते हैं कि ये जो कैंडल बनी है फर्स्ट वाली, ये 2% से ऊपर की ना हो। अगर ये 2% से ऊपर की होगी तो जो आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए, जो आपके सामने स्टॉक को मूव करना चाहिए, वो मूवमेंट ऑलरेडी कैंडल में आ चुका है। तो हम अगर 2% की कैंडल लेते हैं, आपको केवल 2% के ऊपर ही इसमें बाय। अगर ये 2% से बड़ी है, सपोज 3 या 4% की कैंडल है, तब आपको ट्रेड इग्नोर करना है। एक और चीज आप नोटिस कर सकते हैं, प्लीज मेक अ नोट ऑफ ऑल द पॉइंट्स दैट आई एम टेलिंग यू। अगर आपको नेक्स्ट कैंडल विद इन मिल जाती है, यहाँ देखिए ये जो कैंडल आपको सेकेंड कैंडल मिल रही है हाइकनेशी में, अगर आपको इनसाइड मिल जाती है, देन यू कैन बी अश्योर्ड अ वेरी गुड ट्रेड इज कमिंग अप। होप दैट मेक्स सेंस। सो लेट मी टेक अप अनदर एग्जाम्पल ऑफ सेलिंग, राइट, वील टॉक अबाउट सेलिंग ट्रेड। एंड आज एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था सेल के ट्रेड में, पहले हम इसको वन डे में कन्वर्ट कर लेते हैं। आज का सेल का ट्रेड था भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल को एक बार देखते हैं, तो भारतीय एयरटेल काफी दिनों से डेली टाइम फ्रेम में सेल जोन में है। देखिए वन डे में टाइम फ्रेम क्या है, वन डे, और ये जो स्टॉक है कंटिन्यूसली गिर रहा है। इसने कल जो है एक डोजी बनाई थी, 10th को इसने एक डोजी बनाई थी। अब हमको पता है डोजी बनी है, अगर डोजी का लो ब्रेक करेगा वी विल हैव अ गुड एंट्री ऑन अ सेल साइड। एक सेकेंड, मैं इसके सारे इन ड्रॉइंग्स रिमूव करती हूँ। पहले वन डे टाइम फ्रेम में जाके ये लो है डोजी का लो, ये है कल की डोजी का लो, दिस इज द डोजी लो। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस ऑन 15 मिनट्स। सो दिस इज हाउ 15 मिनट्स लुक लाइक। 11 तारीख को जो इसकी पहली कैंडल बनी है उसने ही इस लो को ब्रेक करा है, प्रीवियस लो को ब्रेक करा है। अब इसमें मुझे केवल एक ही इशू था कि पहली कैंडल बहुत बड़ी बनी थी। पहली कैंडल कुछ 20 पॉइंट्स की है, 793 से 764, 30 पॉइंट्स की कैंडल है, विच इज अबाउट 5%। सो दैट इज व्हाई आई इग्नोर दिस ट्रेड। बट एट द सेम टाइम दोज हु आर स्किलफुल और दोज लाइक आई के नॉट गिव इट ऑन द चैनल और एनीवेयर, बट सी हियर व्हेन द प्राइस गोज हॉरिजॉन्टल, व्हेन द प्राइस गोज हॉरिजॉन्टल एंड वंस अगेन ब्रेक्स दिस लो व्हिच इज 761, व्हिच इज 765, राइट, दिस इज 760, सॉरी 761, वी कैन सेल इट फॉर अ टारगेट ऑफ 752, राइट। 10 पॉइंट्स आपको यहाँ से डायरेक्ट मिले हैं। अगर ये जो आप छोटी छोटी कैंडल्स देख रहे हो ना, दिस इनसाइड कैंडल्स इन हाइकनेशी आर वेरी इंपॉर्टेंट कैंडल्स। इट वेंट हॉरिजॉन्टल एंड देन अगेन ब्रेक ब्रोक द लो ऑफ द प्रीवियस लो, एंड यू कैन सी अ गुड ट्रेड दैट केम अप। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एस आर एफ ट्रेड, राइट। वॉट वॉज द ट्रेंड इन एस आर एफ, वॉज इट वॉज अ नेगेटिव ट्रेंड ओनली, राइट। तो एस आर एफ प्राइस हैज बीन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ओनली। Now let's see what happened in 15 minutes. In 15 minutes, you had a first was a doji 9:15, and then open equal to high candle. And look at these horizontal candles. These horizontal candles indicate that there's a lot of things that were happening in this duration. Kal jo hai, starting from 10:15 to about aaj ke 9:15, almost like one full day,
द प्राइस वॉज रेंज बाउंड, समथिंग वॉज कुकिंग अप, देर कुड हैव बीन ओपन इक्वल टू लो कैंडल एंड द स्टॉक मे हैव गॉन अप, बट ओपन इक्वल टू हाई कैंडल एंड आफ्टर दैट इट वॉज कंटिन्यूसली फॉलिंग. अगर आपने सेकेंड कैंडल भी मिस कर दिए तो आप देखिए आपको दूसरी थर्ड कैंडल के बाद इन साइड कैंडल्स मिली है. हाइकन एशी में इन साइड कैंडल्स और उसके बाद ब्रेक मीन्स इट्स क्वाइट अ सर्टन ट्रेड, राइट. ये बहुत एक सर्टन ट्रेड हो जाता है जब आपको हाइकन एशी कैंडल में इन साइड कैंडल मिलती है और उसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है. तो आई होप यू हैव यू आर अंडरस्टैंडिंग कि जब हाइकन एशी कैंडल्स हॉरिजॉन्टल हो जाती है उसके बाद आज की कैंडल इंडिसाइसिव व्हिच इज डोजी कैंडल एंड दिस इज फॉर्मिंग ऑन 10 SMA, उसके बाद ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनती है. अगर आपने ये मिस कर दिया, सेकेंड कैंडल भी मिस कर दिए, ये जो तो इनसाइड कैंडल मिल रही है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल्स है. उसके बाद जो ब्रेकडाउन आएगा 2240 से लेके 2188 तक, मतलब 50 52 पॉइंट्स आपको इसमें मिले एक ड्रॉप के बाद, ठीक है. MRF का ट्रेड भी हम देख सकते हैं, बट ऑल्दो MRF वॉज इन अप ट्रेंड. सो हैव अ लुक एट द चार्ट व्हिच इज इन फ्रंट ऑफ यू. कि MRF का चार्ट है, डोजी बनी थी 4th को और 5th को इसने अपने पास्ट बैरियर्स को ब्रेक किया है 89 to 50 के आसपास, और हमने इसमें बाय दिया था आपको 89. आई जस्ट शो यू ऑन द चैनल, वी गेव अ बाय अबव 89550, वी गेव अ बाय टू यू अबव 89550. यहाँ पे कहीं पे हमने आपको इसमें एक बाइंग के लिए आपको दिया था. होप अब हम अगर इसमें एंट्री देखते हैं, इंट्राडे में एंट्री देखते हैं, तो हमें कहाँ पे एंट्री मिलती है उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. तो 5 तारीख को एंट्री थोड़ी अर्ली मिलती थी हमको, 3 को ये लाइक 4th को इफ यू नोटिस दिस दीज आर द कैंडल्स दैट आर फॉर्मिंग एंड 5th को जो कैंडल फॉर्म होती है, फर्स्ट कैंडल फॉर्म होती है, वो ओपन इक्वल टू लो है. देन नेक्स्ट एंड द थर्ड कैंडल, आपको होप यू कैन सी दिस थर्ड कैंडल, दिस इज एन इनसाइड कैंडल, ये एक इनसाइड कैंडल है. जैसे ही पास्ट बैरियर ब्रेक होते हैं विच इज 89550, यहाँ पे कहीं पे हमने आपको एंट्री दी थी, और उसके बाद ये जो स्टॉक है ये कंटिन्यूसली ऊपर ही चलता चला गया है. जहां से हमने एंट्री दी थी आपको, वहां से इसने आपको 89550 से इसने 94250 या 550 का हाई लगाया, तो ऑलमोस्ट लाइक 5000 पॉइंट्स आपको इसने दिए हैं. मतलब थोड़ा साउंड ज्यादा करता है, बट एटलीस्ट स्टिल इसने 5% या 6% का मूव आपको जहां से हमने एंट्री दी थी वहां से दिया. तो होप आपको अब समझ में आ गया. अगर आपको इंट्राडे में ट्रेड करना है तो पहला रूल क्या होना चाहिए, फर्स्ट रूल, अगर आपको इंट्राडे हाइकन एशी कैंडल को यूज करके ट्रेड करना है तो पहला रूल है आपको लॉन्ग टर्म इसका ट्रेंड निकालना है. लॉन्ग ट्रेंड क्या है, लॉन्ग ट्रेंड के लिए आपको क्या चाहिए, सिंपली वन डे टाइम फ्रेम चाहिए. दूसरा, अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है तो आपको 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाना है, और उसके बाद आपको देखना है कि कैंडल्स जो है हाइकन एशी कैंडल अबव 10 SMA में होनी चाहिए, और लुक फॉर इनसाइड कैंडल्स, राइट. जब भी वो इनसाइड कैंडल ब्रेक करेगी तो आपको एक बढ़िया एंट्री देखने को मिलेगी. होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने ट्रेंड निकाल लिया था कि एक डोजी बनी है, डोजी अगर ओपन इक्वल टू लो कैंडल बनेगी डेली टाइम फ्रेम में, वी मेक एट एन एंट्री. सो यहाँ पे ब्रेकआउट आया और ये एक इनसाइड कैंडल बनी, उसके बाद ये हाई ब्रेक हुआ, और उसके बाद स्टॉक ने जो है इंट्राडे में भी आपको बहुत बढ़िया पॉइंट्स दिए थे, ऑलमोस्ट लाइक 1500 पॉइंट्स दिए थे, और उसके बाद ये डेली टाइम फ्रेम में भी आपने देखा था कि डोजी के बाद ब्रेकआउट आया था, तो उसके बाद भी इसने जाके आपको करीब 6-7% का FNO के स्टॉक में आपको ब्रेकआउट किया. तो होप दैट मेक्स सेंस. सबसे पहले आप ट्रेंड निकालिए, ट्रेंड के बाद आप 15 मिनट की कैंडल लगाइए. जब भी कोई आपको मॉर्निंग रेंज ब्रेकआउट दिखता है या ऊपर इक्वल टू लो कैंडल दिखती है, एक डोजी 10 SMA पे बने और उसके बाद ओपन इक्वल टू लो कैंडल बने और उसके बाद आपको कुछ इनसाइड कैंडल्स मिले, तब आप उस स्टॉक में एंट्री ले सकते हो. होप ये इंट्राडे आपको समझ में आ गया होगा. अगर आपको ये इंट्राडे का वीडियो समझ में आया है, प्लीज गिव अ थम्स अप एंड आई वुड लाइक यू पीपल टू राइट इट इन द कमेंट बॉक्स दैट यू वुड लाइक टू नो, बिकॉज बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट देयर इज सर्टेन फाइन ट्यूनिंग दैट आई हैव डन, थोड़ी सी और फाइन ट्यूनिंग है, उससे आपको एक
बेटर ट्रेड मिलने की पॉसिबिलिटी है, और उसमें हम थोड़ा सा और सपोर्ट लेंगे एक दो और पैरामीटर का, और उसके बाद हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्वीकिंग किया, बहुत ज्यादा नहीं, बट अगर आपको ये समझ में आया है मेथड, तो आप प्लीज बैक टेस्ट करिए, देखिए कभी फेल हुआ है क्या, और अगर फेल हुआ है तो रीजंस अपने नोट करिए अपनी, इसको आगे देखिए। एक आपको बैकवर्ड टेस्टिंग करनी होती है, एक आपको फॉरवर्ड टेस्टिंग करनी होती है। बैकवर्ड टेस्टिंग आप कैसे करोगे, आप पिछले किसी भी ट्रेंडिंग वीडियो ट्रेंडिंग स्टॉक को उठा के, और फिर आप देख सकते हो कि उसमें ब्रेकआउट कहाँ आया। पहले आप माइंडसेट बनाइए कि आपको बाय में जाना है कि सेल में जाना है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। उसके बाद आप 15 मिनट्स लगा के, आपका जब माइंडसेट बन गया कि ये बाय, इसमें मुझे बाय ही करना है, अगर मार्केट कंडीशंस पॉजिटिव है, लाइक निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पॉजिटिव जोन में या स्टेबल है, बहुत बुरी तरह नहीं गिर रहे हैं, तो आप उनका 15 मिनट टाइम फ्रेम लगा के उनमें आप स्टॉक्स में एंट्री ले सकते हैं। अब जो एक बात आती है कि ये तो हो गया स्टॉक्स के बारे में, फॉरवर्ड टेस्टिंग कैसे होती है। फॉरवर्ड टेस्टिंग होती है कि आप आने वाले समय में आप देखिए उस स्टॉक को, आप एक स्टॉक बाय भी कर सकते हैं, लाइक वन क्वांटिटी वन शेयर यू कैन बाय एंड सेल, एक क्वांटिटी को बाय करिए सेल करिए, या आप पेपर ट्रेड कर सकते हैं, वो हो गया फॉरवर्ड टेस्टिंग। आप आगे जाके भी देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, वेदर इट वर्क्स और नॉट। मेरा पर्सनल मानना है कि जब तक आप 6 महीने तक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड टेस्टिंग, बैकवर्ड टेस्टिंग आपको कम से कम 2 या 3 साल की करनी चाहिए, फॉरवर्ड टेस्टिंग आपको कम से कम 3 महीने की करनी चाहिए, अगर ये पूरा आपका सिस्टम फिट बैठ जाता है, देन ओनली यू शुड गो फॉर डिप्लॉइंग बिग अमाउंट ऑफ मनी। सो होप द होल प्रोसेस इज क्लियर टू यू। अगर आप लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, प्लीज राइट अ कंस्ट्रक्टिव कमेंट, आई विल ट्राई टू आंसर, लाइक समबडी आस्क्ड अ क्वेश्चन, आई डिड आंसर दैट। एंड अगर आप ट्रोल करेंगे तो डेफिनेटली द टीम इज वॉचिंग ऑल द कमेंट्स एंड दे विल बी डिलीटेड, यू नो। If you are here to learn and you are really want to make this platform a better platform, then comment in the comment box and write in the comment box if you want to learn something from us, and we will definitely be making a video on that. And do join me for live trading every single day from 10 to 11. We really do our level best to give you the best trade at that time. And with this, I'll be signing off. See you in the next video with some more content, some more ideas, some more learning process. Don't forget to like and share and subscribe, because next video is going to be most interesting. It will be on Bank Nifty. How do we trade in Bank Nifty options? Bye bye. Take care. See you in the next video.